Hey guys, welcome back. तो आज हम एक साइकोलॉजिकल मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है ग्रीटा। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम फ्रांसिस था, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में एक रेस्टोरेंट में काम करती थी और अपने रूममेट फ्रेंड अरिका के साथ रहती थी। एक दिन काम से आते हुए फ्रांसिस को सबवे ट्रेन पर एक बैग नजर आता है, फ्रांसिस उठा लेती है। जब फ्रांसिस उस बैग को चेक करती है तब उसे पता चलता है कि वो बैग किसी ग्रीटा नामी लड़की का है। तब वो वहाँ रिसेप्शन पर जाती है लेकिन रिसेप्शन पर कोई नहीं होता, इसलिए वो बैग उठाकर घर चली जाती है। जब उसकी रूममेट अरिका उस बैग के बारे में पूछती है तो फ्रांसिस कहती है कि ये बैग मुझे सबवे ट्रेन से मिला है और कल मैं इस बैग को उसकी मालकिन तक पहुंचा दूंगी। इसी तरह अरिका कहती है कि क्या तुम पागल हो, ये न्यूयॉर्क सिटी है, इतने बड़ी सिटी में तुम बैग की मालिक को कैसे ढूंढोगी, और साथ ही बैग की तलाशी लेने लगती है जिसमें कुछ टैबलेट्स और कुछ पैसे थे, जिसे देखकर अरिका उसे खर्च करने का कहती है। लेकिन फ्रांसिस ऐसा करने से मना करती है और उस बैग को लेकर अगले दिन वो उस पर लिखे गए पते पर पहुंच जाती है। वो औरत ग्रीटा जिसका ये बैग था, वो अपना बैग पाकर बहुत खुश होती है और उसे थैंक्स कहने के लिए उसे अपने घर कॉफी पर इनवाइट करती है। और ग्रीटा उसे बताती है कि उसके हस्बैंड की एक साल पहले डेथ हो चुकी है, इसकी एक छोटी बेटी भी है जो कि पेरिस में स्टडी कर रही है और फिलहाल वो इस घर में अकेली रहती है। वहाँ पास ही एक डॉग की फोटो थी जिसे ग्रीटा बताती है कि ये डॉग भी इस दुनिया में नहीं रहा। तब फ्रांसिस कहती है कि अगर आप चाहें तो हम एक नया पेट खरीद सकते हैं, जिसके बाद ये दोनों एक पेट अडॉप्ट कर लेती है। रास्ते में आते हुए दोनों एक दूसरे से इमोशन शेयर करते हैं, जिसमें ग्रीटा को पता चलता है कि फ्रांसिस की मॉम की भी एक साल पहले डेथ हो चुकी है। इसके बाद वो फ्रांसिस को मदर की तरह ट्रीट कर रही है। एक दिन जब फ्रांसिस डिनर के लिए टेबल रेडी कर रही थी तब वो कुछ कैंडल लेने के लिए एक कैबिनेट को ओपन करती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है क्योंकि वहां पर काफी सारे एक जैसे बैग थे, बिल्कुल वैसे ही बैग जो फ्रांसिस को ट्रेन से मिला था। उन सब बैग पर एक नेम टैग भी रखे हुए थे। फ्रांसिस को उसके नेम वाला टैग भी मिल जाता है। वो समझ जाती है कि ये एक सोची समझी साजिश है, ग्रीटा बैग के जरिए लोगों को अपनी जाल में फंसाती है। ये जानने के बाद फ्रांसिस काफी घबरा गई, लेकिन वो बड़ी चालाक थी, तबीयत का बहाना बनाकर वो वहाँ से चली जाती है और फिर रूम में पहुंचकर सारा माजरा अपने दोस्त अरिका को बताती है, जिस पर अरिका उसे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही मोहतात रहने का कहा था, फिलहाल अब तुम उसे इग्नोर करो। इसके बाद वो ग्रीटा को इग्नोर करती है और उसकी कॉल्स और मैसेज अटेंड नहीं करती। और एक दिन जब वो शाम को अपनी जॉब पर जाती है तब उसका बॉस उसके पास आता है और कहता है कि कोई औरत तुमसे बाहर मिलना चाहती है। फ्रांसिस जब ग्रीटा को देखती है तो कहती है कि इन्हें यहाँ से भेज दो, मैं उससे नहीं मिलना चाहती। लेकिन बॉस के कहने पर फ्रांसिस ग्रीटा से मिलने जाती है। ग्रीटा कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ। जिस पर फ्रांसिस उसे कहती है कि मेरा पीछा करना बंद कर दो, और साथ ही उसे ये बताती है कि मैंने उसके घर पे छिपे हुए बैग देख लिए थे। अब इस बात का ग्रीटा के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और अगले दिन जैसे ही फ्रांसिस अपने काम पर आती है और जैसे ही अपना पहला ऑर्डर लेने लगती है तो देखती है कि वो ग्रीटा है, उसकी अटेंशन लेने के लिए आई है और फ्रांसिस को ना चाहते हुए भी उसका ऑर्डर लेना पड़ता है। ग्रीटा फ्रांसिस से कहती है कि तुम्हें एक माँ की जरूरत है और मैं तो बस तुम्हारा एक सहारा बनना चाहती हूँ। लेकिन फ्रांसिस उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इस पर ग्रीटा को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में टेबल को साइड पर फेंकते हुए कहती है कि तुम्हें मेरी जरूरत है, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। तभी उसी वक्त वहाँ पर एक बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो गया था, जिसके बाद ग्रीटा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अब फ्रांसिस को भी उसके काम से निकाल दिया जाता है क्योंकि ये सारा तमाशा उसी की वजह से खड़ा हुआ था। अगले दिन फ्रांसिस को पता चलता है कि पुलिस वालों ने ग्रीटा को रिहा कर दिया, जिस पर फ्रांसिस काफी परेशान हो गई थी। इसलिए फ्रांसिस उससे बचने के लिए अपने डैड के पास कुछ दिन जाने का फैसला करती है। लेकिन अरिका उसे सजेशन देती है कि तुम्हारा वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि दोबारा तुम्हें यहाँ पर आना होगा और ग्रीटा तो इसी शहर में है। मेरी मानो तो तुम झूठ मूठ के माफी मांग लो और उसे बताओ कि तुम अपने डैड के पास कुछ महीनों के लिए जा रही हो और जब तक तुम वापस आओगी वो दूसरी किसी लड़की को ढूंढ लेगी। और फिर फ्रांसिस ऐसा ही करती है, वो ग्रीटा से माफी मांगती है और उसे यकीन दिलाती है कि उन दोनों का रिलेशन दोबारा से पहले की तरह हो गया।
गया है। फ्रांसिस वहाँ से अब जैसे ही घर पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि अरिका घर पर नहीं है और कॉफी बनाने के लिए वो माइक्रोवेव ओवन यूज करती है। जब वो कॉफी पीती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं और वो अपने सामने ग्रीटा को देखती है, यानी कि ग्रीटा ने उसकी कॉफी में कुछ मिला दिया था जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। ग्रीटा उसे बेहोश करके अपने घर ले जाती है। फ्रांसिस को जब होश आता है तो वो उस कमरे से निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पाती। अब ग्रीटा, जिसने फ्रांसिस से मोबाइल ले लिया था, इससे वो फ्रांसिस के डैड को फोटो भेजती है। इससे उनको पता चलता है कि उनकी बेटी अपनी दोस्त के साथ है। इसी तरह वो उसकी दोस्त को भी फोटो भेजकर गुमराह करने की कोशिश करती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद फ्रांसिस के डैड अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि फ्रांसिस तो उन दोनों के साथ नहीं है। दूसरी तरफ ग्रीटा ने फ्रांसिस को अपने घर में एक छोटी बच्ची की तरह रखा हुआ था और बच्चों की तरह उसे पियानो और कुकिंग की ट्रेनिंग दे रही थी। तब वो मौका देखकर ग्रीटा पर अटैक कर देती है जिससे ग्रीटा की एक उंगली कट गई थी और फिर दोबारा उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। फ्रांसिस उस घर से निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन ग्रीटा ने सारे घर के दरवाजे लॉक किए हुए थे। अब वहाँ से निकलने के चक्कर में फ्रांसिस उस घर के बेसमेंट तक पहुँच जाती है लेकिन वहाँ के दरवाजे भी लॉक थे। फ्रांसिस वहाँ से निकलने की कोशिश में थी तभी उसके सामने एक डेथ बॉडी पड़ी थी। वो डेथ बॉडी को देखती है, यानी कि ग्रीटा ने इससे पहले एक और लड़की को भी मार दिया था। इतने में पीछे से ग्रीटा आ जाती है और उसके मुंह पे हाथ रख कर उसे बेहोश कर देती है और फिर अपने हाथ पर पेन किलर लगाकर ग्लव्स की मदद से उसे छुपा देती है। और फ्रांसिस को उसने एक बेड के साथ बांध दिया था। इसके बाद वो एक नए शिकार की तलाश में निकलती है और एक अलग किस्म का बैग ट्रेन में रख कर आती है जिसे अब एक किसी दूसरी लड़की ने उठा लिया था और वो नई लड़की उसकी जाल में फंस चुकी थी। वो उसके घर तक पहुँच जाती है। ग्रीटा उसे कॉफी देती है लेकिन कॉफी पीने के बाद तो ग्रीटा खुद ही बेहोश होने लगती है। तभी वो नई लड़की अपनी विग उतारती है पर हमें पता चलता है कि ये नई लड़की फ्रांसिस की दोस्त अरिका है। इसने बड़ी चालाकी से कॉफी का कप चेंज कर लिया था। वो कहती है कि इस बैग को ढूंढने के लिए उसने ट्रेन के काफी चक्कर लगाए, आखिरकार ये बदनसीब बैग उसे मिल ही गया। और जैसे ही ग्रीटा बेहोश होती है अरिका घर में फ्रांसिस को ढूंढने लगती है और आखिरकार वो फ्रांसिस को ढूंढ लेती है और दोनों उसी की तरह उसे उस कमरे के वुडन बॉक्स में बंद करके वहाँ से चली जाती हैं। और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती। एक ऐसा रिजोर्ट जहाँ पर लोगों की उम्र अचानक से बढ़ने लगी थी। एक घंटा 2 साल के बराबर बीत रहा था। लोग उम्र बढ़ने की वजह से मारे जा रहे थे और काफी लोग वहाँ पर फंस जाते हैं। क्या ये लोग वहाँ से निकल पाएंगे? तो करते हैं आज की अपनी इस कहानी को स्टार्ट। कहानी की शुरुआत में एक गाड़ी में एक परिवार को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम गाय और वाइफ का नाम प्रेक्षा है। इन दोनों का डाइवोर्स होने वाला है, इसलिए डाइवोर्स से पहले ये अपने बच्चों को आखिरी बार फैमिली ट्रिप पर ले जाते हैं। इनके बच्चों के नाम मिडाक्स और ट्रेंड होता है। ये सब के सब रिजोर्ट पहुंच जाते हैं जहां पर उन सबको वेलकम ड्रिंक दिया जाता है। कुछ देर बाद ये यहां पर एक फैमिली से मिलते हैं जिसमें वाइफ का नाम क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल का हस्बैंड एक सर्जन है और ये अपनी बेटी के साथ यहां पर आए हैं। अब जब ये सब बैठे होते हैं तभी रिजोर्ट का मैनेजर उनके पास आता है और उन्हें सजेस्ट करता है।